अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीरा जलील और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पकाओ दिल से। आज भी मैं आपको मेलों की एक रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थी। जैसे कि आप देखा था कि हमने नान पकौड़े की रेसिपी बनाई थी जो कि मज़ारों में, मेलों पे और दादा दरबार पे बनाई जाती, तो आज भी एक ऐसी ही रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे जो कि आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही अच्छी बनती है एज अ स्नैक, या जिसे आप देसी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। आज हम आपके लिए बनाएंगे दादा दरबार का मशहूर कतलम्मा, तो आइए चलते हैं। चलें जी, यहाँ पर कतलम्मे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक काम किया है कि यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया। अब कतलम्मे वैसे तो जो बनते हैं लाहौर में वो काफ़ी बड़ा साइज होता है, लेकिन हम चूँकि घर में बना रहे हैं और इतने बड़े बड़े नहीं बना सकते हैं और हर घर में इतनी बड़ी कढ़ाई नहीं होती, तो हम छोटे बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले कतलम्मे का जो पेस्ट ऊपर लगाएंगे उसमें हम क्या कुछ डालें। यहाँ पर मैंने 3/4 कप बेसन लिया था, यह आप देख सकते हैं। आप देखें कितना थिक है ये, ज़रा सा पानी डालने की इसमें ज़रूरत है, बाकी बेहतरीन है ये। इसमें हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट, जैसे कि इसमें ये है हल्दी, मिर्च, नमक, ठीक है, और कुछ भी इसमें नहीं जाएगा ये गैस के अंदर। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको अगर बहुत डार्क कलर देना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत डार्क कलर, ऑरेंज रेड कलर शामिल होता है, तो वो तो मैंने ही डाल ली, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड करूंगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूं और फिर उसके बाद मैं थोड़े से पानी में मिक्स करूंगी और उसके अंदर ऐड करूं। अब आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, लेकिन थोड़ा सा पतला करेंगे। ये मेरे पास येलो फूड कलर है और ये मैं येलो फूड कलर पानी में डिसॉल्व कर लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कलर तेज़ हो जाए। लेकिन वैसे कि क्योंकि मेलों में कलर्स बहुत दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर कलर्स बहुत डार्क डार्क होते हैं, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये मेलों का ख़ास खाना है जो चलते फिरते आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसे आप देसी पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। वो बेक होता है हमारा पिज़्ज़ा, लेकिन ये आपको पता है कि फ्राई होता है। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं। अब हुआ अच्छा सा कलर इसका ना, मिक्स मिक्स मिक्स, और थिक भी हमें रखना है, बेहतरीन ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसकी दूसरी चीज़ बताते हैं आपको कि अब हमने क्या करना है। ये आटा मैंने गूंदा है, ये पूरी वाला आटा, जब हमने बंस रोड का नाश्ता बनाया था ना, तो उससे मैंने पूरियां बनाई थी, तो उसमें हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। लेकिन बस उसमें आप एक काम ये कीजिएगा कि उसमें दही 1 टेबल स्पून डालिएगा, जितनी क्वान्टिटी में हमने वहाँ डाला था उससे थोड़ा कम डालना है आपको, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा आपको। अच्छा, अब मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। अब इसको हम चाहे हाथ से बना लें या फिर आप इसको बेल के भी बना सकते हैं। इसको हम बेल लेते हैं। आपको अगर हाथ से बेलना आता है, हाथ से बड़ा करना आता है, तो आप हाथ से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसी से कर रही हूँ। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितनी बड़ी रोटी तैयार हुई है। रोटी से थोड़ा सा मोटा, यानी पराठे के बराबर तकरीबन, ठीक है, पंजाब के जो पराठे होते हैं ना, उसकी तरह से आपको रखना है। अब इसको हम, जो मिक्सचर हमारे पास बना हुआ है, इसको लगाएंगे इसमें। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका बैटर जो है ना, आपको थिक रखना है, ऑयल अच्छा गरम तेज होना चाहिए, ठीक है। इसको आप किनारों तक फैला दें, वहाँ पर ऐसे ही होता है, किनारों तक लगा हुआ होता है, और ज़ाहिर है ये कोई इतना परफेक्ट अंदाज में नहीं बनाया जाता, ये इसी तरह से। अब बारी आती है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालने की। ये क्या, इसमें साबुत धनिया, वो तो बहुत मोटा मोटा सा होता है, मैंने थोड़ा सा इसको दरदरा सा कर लिया। उसके बाद ये सफ़ेद तिल, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये गई कसूरी मेथी 1 चुटकी, ज़ीरा, इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या, अब जाएगा ये अनारदाना, ये देखिए जिस तरह, थोड़ी सी ये माश की दाल। अब आपका दिल है तो आप डालें हरा धनिया वगैरह, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा दिल है
तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ। चले मैं दस इसको हाथ से ऐसे प्रेस कर लें तो ज़रा सा ये होगा कि ये चीज़ें जो हैं इस पर चिपकी रहेंगी। चल अब बारी आती है इसको अब हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है। तो उसका क्या तरीका है आप देख लीजिए। इसको बिस्मिल्लाह करके ऐसे करके ये उठाएंगे और ये गया इसमें बिस्मिल्लाह। इसको पीछे से आप चेक कर लें। अभी थोड़ा सा इसको हम अच्छा सा ये देखें, इससे क्या होता है ऊपर वाला भी आराम से ही सेट होता जा रहा है। ये देखें ये होना शुरू हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ठीक है बेहतरीन। अब इधर से भी हमें कुक करना है। चलिए ये ज़बरदस्त से आपके कतलमा जो है ये तैयार हो चुका है। बड़ा होता है तो बहुत आराम से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। ये मैं निकालती हूँ यहाँ पर। पीछे से भी आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया है। ये देखें जी बेहतरीन सा, जैसे पूरी का कलर आता है उसी तरह से। और ये हमारा हो गया तैयार बहुत ही ज़बरदस्त सा कतलमा। आप भी बिल्कुल इसको ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि भाई आपने बनाया तो कैसा रहा। देख लिया आपने ये देसी पिज़्ज़ा कैसे बना, शानदार सा ज़बरदस्त सा। और आपको पता है कि ये वहाँ पर मिलता है किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से, पाव के हिसाब से, बहुत ही अच्छा बनता है। चटनी के साथ इसको आप सर्व कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। अपनी सर्दियों को अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.